आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। यह वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना, जिसका उन्वान है परेशानी का सबब। आइए सुनते हैं परेशानी का सबब। नईम मेरे कमरे में दाखिल हुआ और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा और अखबार की आखिरी कॉपी के लिए जो मजमून लिख रहा था उसको जारी रखने ही वाला था कि महान मुझे नईम के चेहरे पर एक गैर मामूली तब्दीली का एहसास हुआ। मैंने चश्मा उतार कर उसकी तरफ फिर देखा और कहा, क्या बात हुई है नईम, मालूम होता है तुम्हारी तबीयत नासाज है। नईम ने अपने खुश खोटों पर जबान फेरी और जवाब दिया, क्या बताऊँ, जब मुश्किल में जान फंस गई है। बैठे बिठाए एक ऐसी बात हुई है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैंने कागज़ की जितनी पर्चियाँ लिखी थी जमा करके एक तरफ रख दी और ज़्यादा दिलचस्पी लेकर उससे पूछा, कोई हादसा पेश आ गया फिल्म कंपनी में किसी एक्ट्रेस से? नईम ने फौरन ही कहा, नहीं भाई, एक्ट्रेस वैक्ट्रेस से कुछ भी नहीं हुआ, एक और ही मुसीबत पर जान फंस गई है। तुम्हें फुर्सत हो तो सारी दास्तान सुनाओ। नईम मेरा दोस्त है, जब से वो बम्बई आया है उससे मेरी दोस्ती चली आ रही है। वो यूं कि बम्बई आते ही उसने मेरे अखबार में काम किया और ख़ुद को बहुत सी अहलियतों का मालिक साबित किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे उसके आला खानदान का पता चला और उस किस्म की दूसरी वाकफियतें निकलती आईं तो मेरे दिल में उसकी इज्जत और भी ज़्यादा हो गई। चुनांचे 6 महीने के मुख्तसर अरसे में ही वो मेरा बेतकल्लुफ दोस्त बन गया। नईम ने मेरे अखबार को दिलचस्प बनाने के लिए मुझसे ज़्यादा कोशिशें की। हर हफ्ता जब उसने एक नई कहानी लिखना शुरू की और मैंने उसकी 3-4 कहानियाँ पढ़ी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर अखबार में नईम पढ़ा रहा तो उसकी तमाम ज़कावतें तबाह हो जाएंगी। तो चुनांचे मैंने मौका मिलते ही एक फ़िल्म कंपनी में उसकी सिफारिश की और वो मुकालमा निगार की हैसियत से फौरन ही वहाँ मुलाजिम हो गया। फिल्म कंपनी के मुलाजमत के दौरान मैं नईम के वहाँ सेठों और डायरेक्टरों पर कैसा असर डाला इसके मुतालिक मुझे कुछ इल्म नहीं। मैं बेहद मसरूफ़ आदमी हूँ, लेकिन नईम से 1-2 बार मुझे इतना ज़रूर मालूम हुआ था कि वहाँ उसका काम पसंद किया गया है। अब एकाएक ही ना जाने क्या हादसा पेश आ गया जो उसका रंग यूँ हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। नईम बेहद शरीफ आदमी है, उससे किसी नामाकूल हरकत की तवक्को ही नहीं हो सकती थी। मैं सख्त मुतय्यर हुआ कि ऐसी कौन सी उस्ताद पड़ी जो नईम किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। मैंने उसे इजाज़त लेकर जल्दी जल्दी आखिरी कॉपी के लिए मजमून का बकाया हिस्सा मुकम्मल किया और तमाम पर्चियां कातिब को देकर उसके पास बैठ गया। भाई माफ़ करना, मैं तुम्हारी दास्तान सुन ना सका, लेकिन मैं पूछता हूँ ये दास्तान आखिर बनी कैसे है? तुम खैर छोड़ो इस किस्से को, तुम मुझे सारा वाकया सुनाओ। नईम ने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो कुछ हुआ मेरी अपनी बेवकूफ़ी की बदौलत हुआ। हमारी फिल्म कंपनी में एक एक्टर है आशिक हुसैन, अव्वल दर्जे का चौकद है। चूँकि दूसरों की तरह मैं उसे सताता नहीं हूँ, इसलिए वो मुझ पर बुरी तरह फरीखता है। ये फरीकता मैंने इसलिए कहा है कि वो मुझसे उसी तरह बातें करता है जिस तरह खूबसूरत औरतों से की जाती हैं। मैं हंस पड़ा, तो इतने खूबसूरत तो नहीं हो।
नईम के पीले चेहरे पर जो भी हंसी की लाल लाल सॉरी नईम के पीले चेहरे पर भी हंसी की लाल लाल धारियां फैल गई। कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या है। दरअसल वो अपने अखलास और अपने बेलौस मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, और चूंकि उसे ऐसा करने का तरीका नहीं आता, इसलिए उसका प्यार वही शक्ल इख्तियार कर लेता है जो उसको गालिबन अपनी बीवी से होगा। तो ये आशिक हुसैन साहब जो अव्वल दर्जे के रक्कास हैं और रक्स के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं, परसों शूटिंग के बाद मुझे मिले। सेट पर मैंने उनके मुकालमे दुरुस्त करने में काफ़ी मेहनत की। उसका हक अदा करने के लिए उन्होंने फौरन ही कुछ सोचा और कहा, नहीं साहब मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा, फरमाइए। उन्होंने फिर सोचा और कहा, दिन भर काम करने के बाद मैं बहुत थक गया हूँ, आप भी ज़रूर थक गए होंगे, चलिए कहीं घूम आए। अब यहाँ मैं अपनी एक कमज़ोरी बता दूँ, मौसम खुशगवार हो तो मैं उमूमन बहक जाता हूँ। शाम का झुटपुटा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और फिज़ा में एक अजीब किस्म की उदासी घुली हुई थी। जवान कुंवारे आदमियों के दिल में ऐसी उदासी ज़रूर मौजूद होती है जो फैल कर ऐसे मौक़ों पर बहुत वसत अख्तियार कर लेती है। मेरी बदन पर एक कपकपी सी तारी हो गई जब मैंने जुहू के समंदरी किनारे का तसव्वुर किया, जहाँ शाम को नामालूद हवाएं यूं चलती हैं जैसे भारी भारी रेशमी साड़ियाँ पहनकर औरतें चलती हैं। मैं फौरन तैयार हो गया, चलिए मगर जाइएगा कहाँ। अब आशिक हुसैन ने फिर सोचा और कहा, अरे कहीं भी चले चलेंगे, यहाँ से तो बाहर निकले। हम दोनों गेट से बाहर निकले और मोड़ पर बस का इंतज़ार करने लगे। यहाँ तक कहकर नईम रुक गया, उसके चेहरे की जर्दी अब दूर हो रही थी। मैंने उसके पैकेट से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाया और कहा, तुम दोनों गेट से बाहर निकलकर बस का इंतज़ार करने लगे। नईम ने सर हिलाया और शामत आमार उधर से आशिक हुसैन के मारवाड़ी दोस्त का गुजर हुआ। वो मोटर में जा रहा था कि अचानक आशिक हुसैन की नज़र उस पर पड़ी। फौरन ही उसने मारवाड़ी जबान में अपने दोस्त को ठहरने के लिए कहा। मोटर रुकी, आशिक हुसैन ने उसे मारवाड़ी जबान में चंद बातें की, फिर दौड़कर मेरे पास आया, कहने लगा, चलिए काम बन गया, मोटर मिल गई, उसी में चलते हैं। मैं चल पड़ा। मोटर में दाखिल होने से पहले आशिक ने अपने मारवाड़ी दोस्त से, जो शक्ल सूरत के अतबार से ड्राइवर मालूम होता था, तारुफ कराया और हसब मामूल मुबालगे से काम लेते हुए कहा, ये मारवाड़ के बहुत बड़े सेठ हैं, यहाँ एक कारोबार के सिलसिले में आए हैं, मेरे बहुत मेहरबान दोस्त हैं। और मेरे मुस्तालिक दोस्त से अपने दोस्त से कहा, ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्टोरी राइटर हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्टोरी राइटर और मारवाड़ के बहुत बड़े सेठ ने हाथ मिलाए। दोनों अपनी अपनी जगह रस्मी तौर पर खुश हुए। मोटर चल पड़ी। ये सुनकर मैं मुस्कुराया। नहीं, उस मारवाड़ी सेठ के मुतालिक तुम्हारी राय बहुत ख़राब मालूम होती है, क्या आगे चलकर ये विलन का पार्ट अदा तो नहीं करेगा? तुम पहले पूरी दास्तान सुन लो, फिर सोचना कि विलन कौन है और हीरो कौन। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस कहानी की हीरोइन जोहरा है। जोहरा, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा कल दादर की एक फौजदारी अदालत में देखा है, एक मुजरिम की हैसियत में। ये कहते हुए नईम के कान की लवें शर्म के बायस सुर्ख हो गई। दास्तान सुनने के दौरान पहली मर्तबा जोहरा के अचानक जिक्र से मुझे सख्त ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, नईम ये तो बिल्कुल अलेक्जेंडर पो का अफसाना मालूम होता है।
یہ زہرہ بالکل پوکے افسانوں کے غیر متوقع انجام کی طرح اس داستان میں آئی ہے. یہ عورت کون ہے؟ میں قطعا نہیں جانتا. یعنی اگر مجھے اس عورت کے متعلق کچھ علم ہو تو مجھ پر لعنت، خدا معلوم کون ہے. اور اب اتنا جانتا ہوں کہ اس نے ہم لوگوں پر فوجداری مقدمہ دائر کر رکھا ہے. جرم ڈاکہ اور چوری ہے. میں نے تعجب سے پوچھا، ڈاکہ اور چوری؟ نعیم کے لہجے نے ایسی مٹانت اختیار کر دی جس میں روحانی اذیت کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی. کہنے لگا، ہاں ڈاکہ اور چوری. مجھے دفعات اچھی طرح یاد نہیں، مگر اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے مداخلت بیجا کی، زہرہ کے گھر پر ڈاکہ ڈالا اور اس کی چند قیمتی اشیاء چرا کر لے گئے. لیکن یہ تو داستان کا انجام ہے. پہلے کے واقعات تمہیں سنا دوں پھر اس طرف آتا ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ تم اس مارواڑی کی موٹر میں بیٹھ گئے. میں عاشق حسین کے کہنے پر اس منحوس مارواڑی کی موٹر میں بیٹھ گیا. موٹر وہ خود چلا رہا تھا. اس کے ساتھ ہی اگلی سیٹ پر ایک اور آدمی بیٹھا تھا جو اس سے کم منحوس نہیں تھا. عاشق حسین نے شاید اس کے متعلق کہا تھا کہ وہ موٹریں بنانے کا کام کرتا ہے. خیر، موٹر مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی دادر کی طرف جا نکلی. ظاہر تھا کہ ہم جوہو جائیں گے. چنانچہ میں بہت خوش تھا. جوہو کی گیلی گیلی ریت سے مجھے بہت پیار ہے. کبھی کبھی ادھر جا کر میں گیلی ریت پر ضرور لیٹا کرتا ہوں اور دیر تک کھلے آسمان کی طرف دیکھا کرتا ہوں، جو اتنا ہی پرسرار اور ناقابل رسا دکھائی دیتا ہے جتنا کہ ایک اجنبی عورت کا تصور. سامنے رات کی سرمئی روشنی میں سمندر کی کرنیں فری سمندر کروٹیں لیتا ہے. اوپر گدلے آسمان پر تارے یوں چمکتے ہیں جیسے انہونی باتیں کسی جوان دل کے جوان آدمی کے دل میں ٹمٹما رہی ہوں. ایک عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے. دور اس پار جہاں آسمان اور سمندر کوئی واضح خط بنائے بغیر آپس میں گل مل جاتے ہیں، ایک ایسی دھندلی روشنی نظر آیا کرتی ہے جو خوبصورت شیروں کی طرح مصنوعی ہوتی ہے. میں جوہو کی سیر کے خیال میں مگن تھا کہ عاشق حسین نے موٹر کو دادر میں ہی میں ایک جگہ ٹھہرا لیا اور مجھ سے کہا، چلیے کچھ پی لیں. جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، بیئر مجھے پیاری ہے. عاشق حسین کو خدا معلوم کہاں سے اس بات کا پتہ چلا تھا کہ میں پیا کرتا ہوں. خیر، ہم چاروں یار بار میں داخل ہوئے. ایک بوتل بیئر کی میں نے پی اور ایک عاشق حسین نے. مارواڑی سیٹ اور موٹریں بنانے والے نے کچھ نہ پیا. ہم جلدی ہی فارغ ہو گئے. پھر موٹر میں بیٹھے اور جوہو کا رخ کیا، مگر فوراً ہی عاشق حسین کو ایک کام یاد آ گیا. اوہو، مجھے تو اپنی شاگرد زہرہ کے یہاں جانا ہے. آج اس سے ملنے کا میں نے وعدہ کیا تھا. نہیں صاحب، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو 5 منٹ لگیں گے. اس کا مکان بالکل قریب ہے. مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے موٹر ایک گلی میں ٹھہرا لی اور اکیلا سامنے والے مکان کی طرف بڑھا. میں نے پوچھا، یہ گلی کس طرف ہے؟ رین نے جواب دیا، دادری میں ہے. ادھر جہاں پارسیوں کے بے شمار مکان ہیں، غالباً اس محلے کو پارسی کالونی کہتے ہیں. ہاں تو عاشق حسین موٹر سے نکل کر سامنے کے مکان کی طرف بڑھا. ایک چھوٹا سا 2 منزلہ مکان تھا. باغیچہ طے کر کے عاشق نے دروازے پر دستک دی. جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو عاشق نے دوسری بار زور سے دستک دی. اندر سے کسی عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ عاشق حسین نے بلند آواز میں جواب دیا، عاشق. اندر سے خشم آلود آواز آئی، عاشق کی؟ عاشق حسین نے گالی سن کر ہماری طرف دیکھا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ کہنا شروع کیا، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. جانے کیا ہلا تھا.
हो सकता है आशिक हुसैन ने झूठी बोला हो और बियर की एक बोतल पीने के बाद जोहरा का ख्याल उसके दिमाग में आ गया हो। किसी ने उससे कभी कहा होगा कि फला नंबर के फ्लैट में एक औरत जोहरा रहती है, लेकिन इससे क्या बहस है। आशिक हुसैन ने उदम मचाना शुरू कर दी, अंदर से गालियां आती रहीं। बेशतर इसके कि मैं उसे मना कर सकता, 3-4 धक्के मार कर उसने दरवाज़ा तोड़ा और ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गया। जब ये शोर हुआ तो आसपास के रहने वाले पारसी इकट्ठे हो गए। मैं बेहद परेशान हुआ, चुनांचे ऐसी परेशानी में मोटर से बाहर निकला और आशिक को बाहर लाने की खातिर उस मकान में दाखिल हो गया। मेरे पीछे पीछे आशिक के दोनों साथी भी चले आए। मैंने उस फ्लैट के तीनों कमरे देखे, मगर ना आशिक नजर आया ना उसकी शागिर्द जोहरा। खुदा मालूम कहाँ गायब हो गए थे। घर के परली तरफ दूसरा रास्ता था, मुमकिन है वो उधर से बाहर निकल गए। मैं चंद मिनट उन तीनों कमरों में रहा, जब कोई सुराग ना मिला तो बाहर निकल कर मोटर में बैठ गया। वो पारसी जो गली में जमा हो गए थे घूर घूर कर मेरी तरफ देखने लगे। मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। बियर का सारा नशा जो दिमाग में था उतर कर मेरी टांगों में चला आया। मेरे जीन में आई कि आशिक उसके साथियों और उनकी मोटर को वहीं छोड़कर भाग जाऊं, मगर अजब मुश्किल में मेरी जान फंस गई थी। अगर भागने की कोशिश करता तो यकीनन पारसी जो मुझे चिड़ियाघर का बंदर समझकर घूर रहे थे पकड़ लेते। 10-15 मिनट इसी शशोपंच में गुजरे। उसके बाद आशिक और उसके दोनों दोस्त मकान में से बाहर निकले और मोटर में बैठ गए। मैंने आशिक से कोई बात ना पूछी। मोटर चली और जब दादर का हलका आया तो मैंने उसे कहा, मुझे यहीं उतार दो, मैं बस में घर चला जाऊंगा। आशिक के दिमाग से जुहू की सैर का ख्याल निकल गया था। उसने अपने मारवाड़ी दोस्त से मोटर रोकने के लिए कहा। चुनांचे मैं उनसे रुख्सत लेकर घर चला आया और उस वाक्य को भूल गया। नईम ने एक और सिगरेट सुलगाया और कुछ देर के लिए खामोश हो गया। मैंने पूछा, उसके बाद क्या हुआ। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, नईम ने बड़ी तलखी के साथ कहा। उस बेवकूफ़ के बच्चे आशिक हुसैन से जब पुलिस वाले ने पूछा कि तुम्हारे साथ और कौन था, तो उसने अपने मारवाड़ी दोस्त का, उस मोटर बनाने वाले का और मेरा नाम ले दिया। हम तीनों 1 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिए गए। मैंने पूछा, ये कब की बात है, तुमने मुझे इत्तला क्यों ना दी। नईम ने जवाब दिया, कल 2-2:30 बजे के करीब हमारी गिरफ्तारियां अमल में आई। मैंने तुम्हें टेलीफोन पर ज़रूर मुत्तला किया होता अगर मेरे हवास बजा होते। बखुदा मैं सख्त परेशान था। पुलिस इंस्पेक्टर टैक्सी में हम सबको थाने ले गया। वहाँ बयानात कलम बंद हुए तो मुझे पता चला कि आशिक हुसैन के वो मारवाड़ी दोस्त जो किसी कारोबार के सिलसिले में यहाँ आए थे, जोहरा का पंखा उठाकर अपने साथ ले आए थे। बिजली का यह पंखा पुलिस ने उनसे हासिल कर लिया था। ये सुनकर मैंने तश्वीशनाक लहजे में पूछा, इससे तो चोरी साफ साबित होती है। चोरी साबित होती है, जभी तो मैं इस कदर परेशान हूँ। और सच पूछो, अगर ये बात साबित ना भी होती तो मेरी परेशानी इसी कदर रहती। थाने और अदालत में जाना बेहद शर्मनाक है, पर अब क्या किया जाए, जो होना है हो चुका है। इस खिलाफत से छुटकारा नहीं मिल सकता, जो मुझे उठाना पड़ेगी और उठाना पड़ रही है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, यानी जाहिर है जोहरा को मैं बिल्कुल नहीं जानता। उसके मकान पर अगर गया तो महज आशिक हुसैन की वजह से, उस चुगत के कहने पर जो एक बोतल बियर भी हजम नहीं कर सकता। नईम के चेहरे पर नफरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात देखकर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। भाई बहुत बुरे फंसे, नईम ने उसी अंदाज में कहा। हंसी में फंसी इसी को कहते हैं। कल अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैंने अदालत का मुंह देखा और जोहरा भी पहली मर्तबा मुझे नजर आई। मैंने फौरन ही पूछा, कैसी है।
नईम ने बेपरवाही से जवाब दिया, बुरी नहीं, यानी शक्ल सूरत के एतबार से खास ही है, बैजनी चेहरा है जिस पर कीलों और मुहासों के दाग नजर आते हैं, लंबे लंबे काले बाल हैं, पेशानी तंग है, जवान है, ऐसा मालूम होता है कि हाल ही में उसने ये धंधा शुरू किया। मैंने बगैर किसी मतलब के यूं ही पूछा, कैसा धंधा? नईम शर्मा गया, अरे जी वही जो औरतें करती हैं। जोहरा के चेहरे पर उसकी छाप दूर से नजर आ सकती है। मुझे उस औरत पर इतना गुस्सा कभी ना आता, मगर जब मजिस्ट्रेट ने मेरी तरफ इशारा करके पूछा तुम इसको पहचानती हो, तो जोहरा ने मेरी तरफ अपनी बड़ी बड़ी धुली हुई आंखों से देखकर कहा, हाँ साहब पहचानती हूँ, इसी ने मेरे चांदी का टी शर्ट उठाया था। जब उसने ये झूठ बोला तो खुदा की कसम जी में आई मलूरा के हलक में कटहरे का एक डंडा डाल निकाल कर सॉरी कटहरे का एक डंडा निकाल कर खोस दूँ, इतना बड़ा झूठ। उस पर मैंने कहा, भाई झूठ तो बोलेगी, इसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसे अपना केस मजबूत भी तो बनाना है। अब तो तुम्हें कहरे दरवेश बर्जन दरवेश सब कुछ सुनना पड़ेगा। ठीक है, नईम ने बड़ी परेशानी के साथ कहा, जो कुछ होगा उसे हर हालात में सहना ही पड़ेगा, मगर मैं क्या बताऊँ किस कदर परेशान हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अगर किसी मर्द ने मुझ पर ऐसा मुकदमा दायर किया होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। खैर ज़रा गौर करो, वो औरत है और मैं औरतों की ताज़ीम करता हूँ। वो, मैंने पूछा, क्यों? नईम ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि इसलिए कि मैं औरतों को जानता ही नहीं, किसी औरत से मिलने या उससे खुलकर बातचीत करने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। अब जिंदगी में पहली मरतबा जो औरत आई है तो मुद्दा ही बनकर। मैंने हंसना शुरू कर दिया। नईम ने उसको बिगड़ कर कहा, तुम हंसते हो मगर यहाँ मेरी जान पर बनी है, दो दिन से मैं कंपनी नहीं जा रहा, वहाँ ये बात ज़रूर पहुँच चुकी होगी, शेर साहब के सामने क्या मुँह लेके जाऊँगा, उन्होंने अगर पूछा तो मैं क्या जवाब दूँगा। मैंने कहा, जो असल बात है उनको बता देना, वो तो मैं बता ही दूँगा, मगर खुदा के लिए सोचो तो सही कि मेरी पोजीशन क्या है। मैं सेठ साहब की बेहद इज्जत करता हूँ इसलिए कि वो मेरे आका हैं, मगर उन्होंने मुझे बदकिरदार समझकर बरतरफ कर दिया तो उम्र भर के लिए मैं दागदार हो जाऊँगा। मुलाजमत खोने का मुझे इतना अफसोस भी नहीं होगा, मगर यहाँ सवाल इज्जत और नामूस का है, वो ज़रूर बदगुमान हो जाएंगे। मैं उनकी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मेरी सच्ची बातों को भी वो झूठा ही समझेंगे। फिल्म कंपनी में हर शख्स झूठ बोलता है, वो खुद भी हमेशा झूठ बोलते हैं। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने हर मुमकिन तरीके से नईम की अखलाकी जुर्रत बढ़ाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। वो बेहद डरपोक है, खासकर औरतों के मामले में तो उसकी बुजदिली बहुत ही ज़्यादा है, और असल मामला भी संगीन था। अगर बर्की पंखा बरामद ना होता तो केस बिल्कुल मामूली रह जाता, मगर पुलिस उस मारवाड़ी से पंखा हासिल कर चुकी थी, इसलिए जाहिर है कि जोहरा एक हद तक सच्ची थी। नहीं ज़्यादा देर तक मेरे पास ना ठहरा और चला गया। दूसरे शाम को वो फिर आया, उसकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। आते ही कहने लगा, भाई एक मुसीबत में जान फंसी थी, अब एक और आफत गले पड़ गई। मैंने तशवीश के साथ कहा, क्या हुआ, क्या कोई और केस खड़ा हो गया? नहीं, केस वही है, मगर एक ऐसी बात हुई है जो मेरे वहमो गुमान भी ना थी। नईम ने कुर्सी पर बैठकर इस्तराब के साथ टांगे हिलाना शुरू की। आज सुबह सेठ साहब ने मुझे बुलाने के लिए मोटर भेजी, मुझे जाना ही पड़ा, हालांकि मैं इरादा कर चुका था कि कभी नहीं जाऊंगा।
बखुदा फन कंपनी में दाखिल होते वक्त मेरी हालत वही थी जो हिस्सास मुलजिमों की होती है। शर्म के मारे मेरा हलक सूख रहा था, सर भारी हो गया था। नीची नजरें किए जब मैं सेठ साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो उठकर खड़े हुए, बड़े तपाक के साथ मिले। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरे साथ हैंडशेक किया और हंसकर कहने लगे, मुंशी साहब आपने कमाल कर दिया, आप तो छुपे रुस्तम निकले, बैठिए तशरीफ रखिए। मैं नदामत में गर्क कुर्सी पर बैठ गया, वो भी बैठ गए। फिर उन्होंने ऐसी बातें शुरू की कि मेरे अवसान खता हो गए। कहने लगे, आप घबराते क्यों हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप बताइए कि जोहरा है कैसी, कुछ अच्छी है भाई, आपने तो कमाल कर दिया। मैं सुनता हूँ कि आपने पीकर वो धमाल मचाई कि पारसी कॉलोनी के सब आदमी वहाँ इकट्ठा हो गए। किसी ने मुझसे कहा था आप जोहरा की साड़ी उतार कर लेंगे, पहले भी तो आप उसके यहाँ आते जाते होंगे, फिर हरामजादी ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों लिखवाई। पर क्या बताया, आपने बहुत ज़्यादा शरारतें की हों। ऐसी ही बेशुमार बातें उन्होंने मुझसे की, मैं खामोश रहा। उसके बाद उन्होंने चाय मंगवाई, एक प्याला मेरे लिए बनाया और फिर वही गुफ्तगू शुरू कर दी। चांदी का टी शर्ट जो आप उठाकर ले गए थे, मुझे अगर आप प्रेजेंट कर दें तो मैं अभी आपको अपने वकील के पास ले चलता हूँ। ऐसी अच्छी वकालत करेगा कि जोहरा की तबीयत साफ हो जाएगी। मैं सुनता हूँ जोहरा शक्ल सूरत की अच्छी है, तो भाई इस मुकदमे के बाद उसे यहाँ ले आओ ना, अपने फिल्म में उसे कोई छोटा सा रोल दे देंगे। और हाँ, ये आपने अच्छा किया कि उसी की शराब पी और उसी की चीज़ें उड़ा कर ले गए। पर आप एक दर्जन आदमी अपने साथ क्यों ले गए थे, बेचारी इतने आदमी देखकर घबरा गई होगी। बात बात पर वो हंसते थे, जैसे गुफ्तगू के लिए उन्हें एक दिलचस्प मौजू मिल गया। ताज्जुब है कि इससे पहले उन्होंने कभी मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया था। मैंने कहा, तो क्या हुआ, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम पर नाराज ना हो गए। नहीं, बिगड़कर कहने लगा, ये भी तुमने खूब कहा, मुझे खुश होना चाहिए। वो मुझे मुजरिम समझ रहे थे, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ, खामोश रहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने खजांची को बुलाया और मुझे 100 रुपये एडवांस दिलवाए। हालांकि 2 महीने से किसी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। मैंने कहा, तो बुरा क्या हुआ। अरे भाई, तुम सारी बात तो सुन लो। नहीं, खिंच गया। 100 रुपये दिलवा कर उन्होंने कहा, ये आप अपने पास रखिए, आपको मुकदमे के लिए ज़रूरत होगी। वकील का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूँ। टेलीफोन पर उन्होंने फौरन ही वकील से बात की, पर मुझे अपनी मोटर में बिठाकर उसके पास ले गए। सारी बातें उसको समझाई और कहा, देखिए इस मुकदमे में जान लड़ा दीजिएगा, बात बिल्कुल मामूली है, इसलिए कि मुंशी साहब से जोहरा के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। मैं क्या कहता, वहाँ भी खामोश रहा। मैंने हंसकर रहीम से कहा, आप भी खामोश हो, तुम्हारा क्या बिगड़ा है। रहीम उठ खड़ा हुआ और शराब के साथ टहलने लगा, अभी कुछ बिगड़ा ही नहीं, अदालत में मुझे बयान देना पड़ेगा कि जोहरा मेरी दाश्ता है और मैं उसे एक मुद्दत से जानता हूँ, और सेठ साहब ने आज शाम मुझे मदऊ किया है, कहते थे ग्रीन चलेंगे, वहाँ कुछ शगल रहेगा। मेरी जान अजब मुसीबत में फंस गई है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ये थी आज की कहानी, परेशानी का सबब।